आज हम आपके साथ छोले की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। इस छोले को हम बिना लहसुन प्याज का बना रहे हैं। बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, उनके लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, ग्लोरियस किचन में आपका स्वागत है। छोले की रेसिपी आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आप मेरे स्टाइल से बनाकर देखिए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट छोले लगेगा। तो सबसे पहले हम 200 ग्राम सफ़ेद चना को रात भर भिंगो कर रख दिए थे, सुबह इसको धोकर छान लिए हैं। अब एक कुकर में छोले को डाल देते हैं। साथ में एक छोटी चम्मच नमक, एक छोटी चम्मच हल्दी, एक टुकड़ा दालचीनी, दो तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और 6-7 लौंग डाल देंगे। फिर एक गिलास के करीब पानी डाल देंगे। अब कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देते हैं और इसे 7 से 8 सीटी पकाएंगे। हम मीडियम फ्लेम पे पका रहे हैं। देखिए 7 से 8 सीटी हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम एक कढ़ाई में 1/2 चम्मच तेल डालेंगे। हम मसाला तैयार करेंगे छोले का, इन सबको हम फ्राई करेंगे। इसका सारा डिटेल आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम जीरा डाल देते हैं और लाल मिर्च डाल देंगे। जब जीरा तरक जाएगा तब हम आगे और मसाले डालेंगे। इसको चला लेते हैं। अब जीरा तरक चुका है तो हम हरी मिर्च, अदरक और साबुत धनिया डालेंगे। इसको हम 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम टमाटर डाल देते हैं। टमाटर को भी 2-3 मिनट फ्राई करेंगे। टमाटर को गलने के लिए हम चुटकी भर नमक डाल रहे हैं, इससे टमाटर जल्दी गल जाएगा। फिर हम मिला लेते हैं। देखिए अब टमाटर गल चुका है। यहीं पे बचे हुए मसाले को भी हम डाल देते हैं और इसे भी 2-3 मिनट हम भून लेंगे। अब देखिए मसाला हमारा भून चुका है। हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में हम निकाल कर रख देंगे। देखिए अभी ठंडा हो चुका है। इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। अभी हम पानी नहीं डाल रहे हैं, ऐसे ही पीस रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो पानी डालेंगे हम। अभी हमें पानी डालना पड़ेगा। 2 चम्मच के करीब हम पानी डाल रहे हैं। फिर इसको पीस लेते हैं। अभी थोड़ा पानी डालकर और पीसेंगे। देखिए इस तरह का पेस्ट चाहिए हमें। अब हम कुकर को भी चेक कर लेते हैं। प्रेशर निकल चुका है। छोले को चेक करते हैं। देखिए कितना अच्छा पका हुआ है छोला। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। फिर कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालकर हम गरम करते हैं और पीसे हुए पेस्ट को डाल देंगे। आप घी की जगह पे कोई भी तेल ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घी में पकाइएगा तो बहुत टेस्टी बनेगा। यहीं पे हम 1 चम्मच हल्दी डाल रहे हैं। अब इसको हम भून लेते हैं। कटोरी धोकर भी पानी डाल देते हैं, इसमें भी मसाला बचा हुआ था। अब हम मिलाकर इसको भून लेते हैं। इसको लगातार चलाते हुए हम भून रहे हैं। 2-3 मिनट के बाद हम दही डाल रहे हैं। दही डालते समय आप चलाना मत छोड़िएगा और गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, नहीं तो दही फट जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर गैस ऑन करके उसको भून लीजिए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। देखिए दही बिल्कुल नहीं फटा है। अगर ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपके दही कभी भी नहीं फटेगा। जब भी आप दही डालिए गैस को बंद कर दीजिए, फिर गैस ऑन करके उसको भून लीजिए। देखिए अब मसाला तेल छोड़ रहा है। फिर हम इसको मिला लेते हैं।
ये हम एक बड़े चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा छोले में और तीखा भी नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं मसालों के साथ। यहीं पे हम एक चम्मच काला नमक डालेंगे, इससे छोले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी काला नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहीं पे हम नमक डालेंगे, एक चम्मच नमक डाल रहे हैं हम। ध्यान रखिएगा कि हमने छोले को उबालते समय भी नमक डाला था, थोड़ा सा जब टमाटर भून रहे थे तब भी हमने नमक डाला है, इसलिए नमक अपने स्वादानुसार डालिएगा। अब हम छोले को पानी से ही डाल देते हैं मसालों में। टोटल मसाला भूनने में हमें 7 से 8 मिनट लगा है। आप जितना अच्छा मसाला भूनिएगा उतना ही टेस्टी सब्जी बनेगा। कोई भी सब्जी बनाइए, मसाले को अच्छी तरह से भून लीजिए। अब हम इसको ढककर 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं। 6 से 7 मिनट हो चुका है। देखिए छोले अब बिल्कुल पक चुका है। यहीं पे हम धनिया पत्ता से गार्निश करते हैं। हमें थोड़ा ग्रेवी चाहिए इसलिए हमने ग्रेवी रखा है। अगर आपको और ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसको और भी पका सकते हैं, सुखा सकते हैं। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर हम इसको सर्व करेंगे। देखिए अब हम इसको सर्व कर रहे हैं। इस तरह से छोले बनाइएगा तो आपको लहसुन प्याज के छोले से ज़्यादा टेस्टी आपको इस तरह के छोले लगेंगे। आप भी इस तरह का छोला बनाइए बिना लहसुन प्याज का। इस छोले को आप चावल, पुलाव, पूरी, पराठा, रोटी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप भी इस तरह के छोले बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।